फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे विंटर से रिलेटेड कुछ ऐसे ट्रिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ ऐसे हैक्स जिनकी मदद से बना सकते हैं हम अपने विंटर को थोड़ा सा इजी एंड कोजी। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो टिप नंबर वन है अपनी क्लोज़ेट में थोड़ी सी जगह और बनाना। विंटर्स आते ही हमारी क्लोज़ेट में जगह ले लेती हैं बहुत सारे स्वेटर, शॉल एंड जैकेट्स। तो इन सब के लिए अगर हम पहले से जगह बना के रखें तो हमारे लिए दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे हम किस तरह से जगह बनानी है, कैसे हमारी क्लोज़ेट को ऑर्गेनाइज रखना है। तो हैक नंबर टू है कि जितनी भी आपकी क्विल्ट्स हैं, जितने भी आपके ब्लैंकेट्स हैं, वो रखे रखे एक तरह की अजीब स्मेल हो जाती है उनके अंदर। तो एक बार उनको टाइम टू टाइम धूप ज़रूर लगवा लें अच्छे से यूज़ करने से पहले, तो जितनी भी वो बैड स्मेल है वो उनमें से चली जाए और आपके जो ब्लैंकेट्स और क्विल्ट्स हैं आपको दे एकदम फ्रेश फीलिंग। तो यूज़ करने से पहले मैं ये काम ज़रूर करती हूँ सभी अपनी ब्लैंकेट और क्विल्ट्स के साथ। तो टिप नंबर थ्री है अपनी अलमीरा में, अपने कबर्ड्स में हमें नेपथिलीन बोल ज़रूर रखनी चाहिए। विंटर्स आ गई हैं, बहुत सारे कीड़े इस तरह के हैं जो हमारे विंटर्स के क्लोथ्स को ख़राब कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से हम नेपथिलीन बोल हमारी अलमीरा में रखेंगे तो एक भीनी भीनी खुशबू भी आती है, फ्रेश फीलिंग भी आती है और साथ ही हमारे कपड़े भी बचे रहते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना रखें, आप कहीं इधर उधर कोनों में कहीं पर भी अपनी अलमीरा में इनको रख सकते हैं तो आपके कपड़े रहेंगे एकदम से सुरक्षित। एंड हैक नंबर फोर है कि विंटर से पहले ही अपने गीज़र एंड हीटर्स को सबको चेक कर लें ऑन करके प्रॉपर, क्या उनमें गर्म पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, ताकि विंटर स्टार्ट होने पर आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। एंड टिप नंबर फाइव इज़ जितने भी वूलन कपड़े हैं उनको सिंपल डिटर्जेंट से कभी मत धुलिए, उनकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो सकती है। बहुत सारे हमारे ऐसे डेलिकेट कपड़े होते हैं जिनको हम सो इजी जैसे सॉफ्टनर में ही धोना चाहिए, बहुत ही माइल्ड डिटर्जेंट होते हैं ये और बहुत अच्छे रहते हैं अपने वूलन कपड़ों के लिए। तो इसी तरह इनको भी विंटर स्टार्ट होने से पहले रेडी रखिए, अपनी वॉशिंग मशीन या हाथ से जब भी आप कपड़े धुलते हैं तो इन्हीं को यूज़ करें। एंड टिप नंबर सिक्स है, जैसे ही मौसम बदलता है हमें ठंड लगनी शुरू होती है तो मन करता है कोजी सी फीलिंग का, तो इस तरह से अगर आप भी किसी पतले वाले ब्लैंकेट या आपके पास वार्म बेडशीट है तो उनको भी रेडी रखिए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, क्या आपको उनको रिपेयर करना है या आपको नई परचेज़ करनी है। अपने रूम को एक कोजी सा लुक देने के लिए आप इस तरह से विंटर बेडशीट लगा सकते हैं और आपका बेड तैयार हो जाता है प्रॉपर विंटर्स का मज़ा लेने के लिए। ये इस तरह की बेडशीट बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, बहुत ही नरम होती हैं। ये देखिए मेरा बेड तो तैयार हो गया है एकदम विंटर का मज़ा लेने के लिए। इफ़ यू प्रिपेयर ऑल दीज थिंग्स इन अर्लियर यू कैन एंजॉय योर विंटर। एंड टिप नंबर सेवन इज़ देख लीजिए कहीं आपकी विंडोज़ या डोर्स में कोई गैप तो नहीं है, क्योंकि जब ज़्यादा सर्दी लगेगी तो हमें हल्की सी हवा भी परेशान करती है। बच्चों के रूम्स हैं या किसी बड़ों के रूम है तो उनमें देखना ज़रूरी है कहीं दरवाज़ों में खिड़कियों में कोई गैप तो नहीं है, अदरवाइज़ इस तरह के गैप फिलर मार्केट में बहुत मिलते हैं तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की हवा वगैरह आती है तो आप ये यूज़ करके उस सर्दी से बच सकते हैं। एंड माई टिप नंबर एट इज़ जस्ट बाई वाइड माउथ ऑयल बोटल्स। सर्दियों में कुछ लोग नारियल का तेल यूज़ करना पसंद करते हैं लेकिन वो जम जाता है, तो इस तरह की आप चौड़े मुंह की बोतल ज़रूर खरीदिए क्योंकि आसानी से खुल जाती है और आसानी से आप ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग अपनी स्किन और अपने हेयर के लिए इस तरह के तेल को यूज़ करते हैं, तो विंटर शुरू होने से पहले आप इस तरह की बोतल्स खरीद लें ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। एंड टिप नंबर नाइन इज़ कीप अ मॉइस्चराइज़र इन योर किचन एज़ वेल।
जब भी हम बर्तन साफ़ करते हैं, किचन में कोई भी काम करते हैं, हम लेडीज़ के हाथ बहुत ख़राब हो जाते हैं। अगर पास ही हमारे मॉइस्चराइज़र होगा तो हम उसको फ्रिक्वेंटली यूज़ कर पाएंगे और हमारे हाथों को सूखने फटने से बचा पाएंगे। तो ध्यान रखिए, अपने किचन में भी एक मॉइस्चराइज़र की बोतल ज़रूर रखिए। एंड द हैक नंबर 10 इज़, ये देखिए, जैकेट फोल्ड करने के अगर आप ये तरीके यूज़ करेंगे तो आपका स्पेस भी बहुत ज़्यादा बचेगा। इस तरह की फ्लफ़ी जैकेट है वो बहुत सारा स्पेस ले लेती हैं अलमीरा में और इधर उधर गिरती रहती हैं, लेकिन अगर इस तरह से आप उसको फोल्ड करेंगे तो एक तरह से वो एकदम से सेट रहेगी और ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगी। तो ये हैक आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है इस तरह से फ्लफ़ी जैकेट्स को रखना। सो नाउ योर हाउस इज़ रेडी फॉर विंटर्स। अगर आपको हैक्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो फॉर विंटर हैक ऑल्सो। और अब आप ले सकते हैं अपने विंटर का मज़ा एकदम निश्चिंत होकर। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।